से फॉर्म में इसके बारे में इसकी डिटेल्स बताऊंगी कि ईद उल अधा हम इसलिए मनाते हैं, हम हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं ईद उल अधा। ठीक है, अब इसके पीछे क्या स्टोरी है? तो मैं आपको ये बता रही थी कि हम ईद उल अधा हम क्यों मनाते हैं। हम ईद उल अधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में बनाते हैं, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। आप सबको पता होगा, आपके इस्लामियात की मैम ने आपको सुनाया होगा ये वाक़िया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में आया था, अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि अपनी कोई सबसे कीमती चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। तो पहले तो वो समझे कि ये वैसे ही है, लेकिन जब ये ख्वाब उनको बार बार आया तो उन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया, और फिर उनके जहन में ये बात आई कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से बढ़कर उनके पास क्या कीमती चीज़ है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर दूँ, यानी कि उनको ज़िबह कर दूँ। और आपको पता है कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है अल्लाह ताला की राह में अपना बेटा सेक्रीफाइस करना। इवन अगर कोई आपको कहे कि अल्लाह की राह में अपना कोई दुआएँ दे दें, तो आप कितना नर्वस होते हो, आप कहते हो मैं कैसे दे दूँ, ये तो मेरा फेवरेट दुआ है। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने लगे थे, और जैसे ही उन्होंने छुरी उनकी गर्दन में रखी ना, तो अल्लाह ताला को उनकी बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने जन्नत से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा भिजवा दिया, जिसको हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर ज़िबह कर दिया। तो हम इसकी याद में ईद उल अज़हा मनाते हैं और ईद उल अज़हा में कुर्बानी करते हैं। आप सब ने, मुझे यकीन है, किसी ईद का जानवर ले लिया होगा, किसी ने गाय ली हुई होगी, किसी ने दुम्बा लिया होगा, किसी ने भैंस ली होगी। आई होप आप सब ने ईद के लिए जानवर ले लिया होगा ना, या लेने वाले होंगे। तो आपको पता है, अब जब ईद का जानवर ले लिया आपने, तो आपने उसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। ये नहीं है कि अब ईद का जानवर आ गया तो आप उसको तन करें, उसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। आपने उसको टाइम से खाना देना है, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी है। आप उसकी जितनी भी केयर करोगे ना, आपको सवाब मिलेगा। ठीक है, जानवर के जो स्किन पे जितने बाल होते हैं ना, आपको उसके हिसाब से नेकियों का सवाब मिलेगा। जितने उसकी स्किन पे हेयर होते हैं, उतना आपको सवाब मिलेगा। एक तो मैंने आपको कल बताया था, आपने तकबीरात पढ़नी है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तीनों चीज़ें आपने पढ़नी है। किस किस ने पढ़ी है, रेज योर हैंड इन द मूवी, ये किस किस ने पढ़ी है, शो मी द हैंड, वेरी नाइस, फसीहा, अरहम, इब्राहिम, शाबाश, और किसने पढ़ी है, शाबाश, रेज योर हैंड, अबू बकर, वेरी नाइस। और ये तो झूठ झूठ नहीं बोलना, ये तो अल्लाह की बात है। जिसने नहीं पढ़ा, इट्स ओके, आप आज पढ़ लेना, ठीक है, झूठ नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ें, वेरी नाइस रुमैसा, शाबाश, जिससे पढ़ा है एक्सीलेंट, वेरी नाइस, और जिससे नहीं पढ़ा, इट्स ओके, हमारे पास टाइम है, आप आज से पढ़ो, ठीक है, जितना भी पढ़ सकते हैं। चलें जी, अब हम अपने काम की तरफ आते हैं। ओपन फर्स्ट पेज ऑफ योर कॉपी, सी दिस इज़ द कॉपी, ठीक है, ओपन इट एंड ओपन योर फर्स्ट पेज ऑफ द कॉपी, शाबाश, एंड राइट डाउन द डेट, टुडे वी विल डू कोर्स कॉन्टेंट। ऑल ऑफ यू राइट डाउन द डेट, टुडे वी विल डू कोर्स कॉन्टेंट ऑफ जुलाई, फर्स्ट पेज पर हम करेंगे, शाबाश, डेट राइट करें, वाफिक, हरी अब, आपका पेज रेडी है, एक्सीलेंट सकीना, शाबाश, रेडी द पेज, नाउ आई एम स्टार्टिंग टू राइट,
सबसे ऊपर आपने वन फिंगर गैप छोड़कर आपने हेडिंग देनी है, ऑफ कोर्स कंटेंट सी मस्ट बी कैपिटल, सी ओ यू आर एस ई कोर्स, फिर थोड़ा सा गैप देके वन फिंगर से थोड़ा ज़्यादा गैप देके कंटेंट सी ओ एन टी ई एन टी कोर्स कंटेंट। शाबाश, गिव द हेडिंग, देन राइट डाउन मंथ एम ओ एन टी एच मंथ, देन पुट सम कॉलन। जी जी, ये फर्स्ट पेज पे करना है आपकी कॉपी का, आप ओपन करते हो ना फर्स्ट पेज पे, किसी ने गलत नहीं करना। ओके, एंड राइट डाउन द मंथ जुलाई, जे यू एल वाई जुलाई, शाबाश, राइट डाउन। उसके बाद जुलाई में हमने वन लेसन किया है ना, बस हम वो राइट कर देंगे। सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, एल ई डबल एस ओ एन लेसन कॉलन लगा के वन लेसन वन, ठीक है, लेसन वन। एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द लेसन। देखिए मैं किस तरह राइट कर रही हूँ, वन फिंगर गैप यहाँ से छोड़ कर, बल्कि वन के बजाय आप टू फिंगर गैप्स रख दें, टू फिंगर गैप्स दे के उसके बाद यूनिट नेम राइट करें, जी आर जी बना के उसके बाद आर ओ यू पी आई एन जी ग्रुपिंग एनिमल, वन फिंगर गैप उसके बाद आ जाएगा एनिमल, ए एन आई एम ए एल ग्रुपिंग एनिमल। शाबाश, डू दिस। दिस इज आवर कोर्स कंटेंट ऑफ अ जुलाई, आप ये करें उसके बाद हम अगस्त करते हैं, वी विल राइट द कोर्स कंटेंट फॉर अगस्त। शाबाश, राइट इट। ग्रुपिंग एनिमल्स, शाबाश, डू दिस। उसके बाद फिर हम अगस्त के मंथ का कोर्स कंटेंट राइट करते हैं, दिस इज वेरी स्मॉल, दिस इज डन। नाउ अब आपने क्या करना है, देखे, शाबाश आयरा, अब आपने जहाँ पर इंसेक्ट बनाया है ना, कैटरपिलर जहाँ पे बनाया है, उससे नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर आपने कोर्स कंटेंट राइट करना है। यू मस्ट राइट कोर्स कंटेंट ऑफ अगस्त, उसी तरह पेज रेडी करेंगे। टुडेज डेट 28/7/20, सी डब्ल्यू अगर आपसे रह जाएगा तो मैं ग्रुप में पिक्चर शेयर करूँगी, एंड टुडे इज ट्यूसडे।
उसी तरह मिड में आप राइट करेंगे वन फिंगर गैप के बाद कोर्स कॉन्टेंट, सी ओ यू आर एस ई कोर्स, फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के वन फिंगर से भी ज़्यादा कॉन्टेंट, सी ओ एन टी ई एन टी कोर्स कॉन्टेंट। अब उसके बाद आपने यहाँ पे मंथ मेंशन करना है, एम ओ एन टी एच मंथ, फिर कॉलन लगाएंगे एंड वी आर राइटिंग अबाउट द मंथ ऑफ अगस्त, ए यू जी यू एस टी अगस्त। उसके बाद सेम एज इट इज़ लेसन वन हम कर चुके हैं, इन द मंथ ऑफ जुलाई वी विल डू लेसन टू, इसका रिटर्न वर्ड करेंगे, ठीक है। रीडिंग तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, लेसन कॉलन लगा के टू, एंड लेसन टू इज लाइफ साइकिल, टू फिंगर गैप, टू आफ्टर द टू फिंगर गैप राइट डाउन लाइफ साइकिल, एल आई एफ ई लाइफ सी वाई सी एल ई लाइफ साइकिल। उसके बाद लेसन थ्री, एल ई डबल एस ओ एन लेसन, फिर उसी तरह कॉलन, ये सब एक लाइन में आना चाहिए, लेसन थ्री एंड द नेम ऑफ लेसन थ्री इज, इसी तरह गैप दे कि लाइफ साइकिल जहाँ पे आ रहे बिल्कुल उसी के नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है, हाउ एनिमल्स ए एन आई एम ए एल एस एनिमल्स आर, अगर नहीं आ रहा ऊपर इट्स ओके गो टू द नेक्स्ट लाइन, हेल्पफुल एच ई एल पी हेल्प एफ यू एल हेल्पफुल टू अस यू एस अस, शाबाश राइट दिस, जिस तरह ये इट्स ओके, मैं पिक्चर सेंटर दूँ कि वहाँ से देख के करना है, ठीक है। नाउ आवर क्लास टाइम इज़ ओवर, या से किसी गलत पेज पे नहीं करना, जुलाई का जो है वो फर्स्ट पेज पे करना है, और जो अगस्त है वो आफ्टर द डायग्राम करना है, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।